कोर्स है हमारा सेंसर्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और जो कोड है के वो ये जीरो थ्री फोर थर्ड सेम के लिए और जीरो फोर फोर फोर्थ सेम के लिए तो उसका फर्स्ट लेक्चर है ये तो फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेंसर्स ट्रांसड्यूसर्स एंड एक्चुएटर्स तो आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आते हैं ह्यूमन सेंसर कौन कौन से हैं तो जो हमारे सेंसर हैं उसमें हमारी आइज़ हो गई ईयर uh, और टंग हो गई नोज हो गई और स्किन हो गई और ये सेंस क्या करती हैं अब वो फिजिकल पैरामीटर देख लेते हैं तो आई जो है बेसिकली हम जो एक इंटरमीडिएटरी नेम है तो आइज़ का काम है विजन का और जो ईयर हैं वो हियरिंग है, के लिए हैं स्मेल के लिए नोज हो गई है ना और टेस्ट के लिए टंग हो गई और टच को एक्सपीरियंस करने के लिए या टच को एक तरह से सेंस करने के लिए वो हमारे पास स्किन है अब इनके टेक्निकल नाम पे आते हैं तो आइज बेसिकली रिलेटेड है ऑप्टिकल सेंसिंग से ईयर के केस में अकोस्टिक वेव को सेंस करते हैं जो हमारे कान हैं है है ना तो जो साउंड है इन द फॉर्म ऑफ अकोस्टिक वेव फिर उसके बाद आते हैं टंग पे तो टंग और जो हमारा नोज़ है ये बेसिकली जो स्मेल और टेस्ट है बेसिकली ये क्या है ये केमिकल कंपोजिशन है तो अगर आप देखते हैं कि अलग अलग तरह के परफ्यूम हैं है ना अलग अलग तरह से मतलब है अलग अलग स्मेल वाले ऐसे ही मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं किसी का टेस्ट आपका स्वीट है किसी का है ना कुछ सॉल्टी है किसी का इस तरह का है तो वो सब डिपेंड करता है और टेस्ट और जो स्मेल है वो डिपेंड करता है केमिकल कंपोजिशन पे तो वो अलग तरह के सेंसर हैं है ना तो स्मेल के लिए अलग बनेंगे और इसके लिए जो टेस्ट करने के लिए वो अलग तरह का सेंसर बनेगा ठीक है पर बेसिकली ये आएंगे कैटेगरी में जो है केमिकल सेंसर फिर उसके बाद है जो टच है अब टच में आप देख सकते हो कि वो टेम्परेचर से रिलेटेड भी हो सकता है प्रेशर से रिलेटिड रिलेटेड भी हो सकता है और और बहुत सारी चीज़ें हैं ठीक है तो ये हमें बेसिकली नेचुरल फॉर्म है जो सेंसर्स के हैं आगे बढ़ते हैं तो अब जो मैन uh, मेड है ना जो आर्टिफिशियल जो सेंसर हैं वो कौन कौन से हैं किस किस तरह के हैं अच्छा एक बार पीछे और चलते हैं जो ये हमारे जो फाइव uh, जो सेंसर्स हैं इनसे हम क्या करते हैं इनसे हम कम्युनिकेट करते, है? करते हैं है ना जो हमारा जो एक्सटर्नल इन्वामेंट है उसके साथ हम क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं तो किसी से बात करनी है या इन्वायरमेंट को फील करना है कि आज गर्मी है सर्दी है ह्यूमिडिटी है या इस तरह का है तो वो सब और बॉडी के भी अंदर बहुत सारी कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म है जैसे कि अगर गर्मी ज़्यादा है तो हमें एक तरह से जो पसीना वगैरह है वो ज़्यादा आता है उससे क्या है बॉडी को जो कूल cool करने के लिए पर जब ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है इन्वायरमेंट में उसके बाद जो पसीना है वो सूखता नहीं है और फिर गर्मी ज़्यादा लगती है तो इस तरह के बॉडी के इंटरनल कंट्रोलिंग के लिए भी ये सेंसेस हैं है ना और हमारे कम्युनिकेट करने के लिए भी ये सेंसेस हैं आगे बढ़ते हैं तो जो सेंसर के टाइप हैं लाइट के लिए लाइट डिपेंडेंट रसिस्टर हो गया फोटो डायोड हो गया और भी बहुत सारे सेंसर हैं लाइट को डिटेक्ट करने के लिए ऐसे टेम्परेचर के लिए थर्मोकपल थर्मिस्टर फोर्स के लिए स्टैंड गेज प्रेशर स्विच पोजिशन के लिए पोटेंशियोमीटर मीटर ऑप्टो कपलर है ना एल भी है स्पीड के लिए रिफ्लेक्टिव ऑप्टो कपलर टोपलर इफेक्ट सेंसर साउंड के लिए कार्बन माइक्रोफोन पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल और केमिकल के लिए लिक्विड केमिकल सेंसर और गैसेस केमिकल सेंसर तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है इसके अंदर और भी बहुत सारे आते हैं तो अलग अलग तरह के जो केमिकल कंपोजिशन है उनके लिए अलग अलग सेंसर्स हैं आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर आप जो प्रेशर सेंसर है बेसिकली तो यहाँ पर अब दो चीज़ हैं एक तो है जो मेन एलिमेंट है जो बेसिकली सेंस करता है और उसके बाद जो एक तरह से एडिशनल जो सर्किटरी है जो उस सिग्नल को या तो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है या उस सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को सेंसर का नाम दे दिया गया है तो प्रेशर सेंसर ऐसे अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर तो यहाँ पर जो मेनली सेंसर्स हैं ये दो हैं और उसके बाद जो यहाँ पर एडिशनल सर्किटरी लगाई हुई है वो बेसिकली एक प्रोपर सिग्नल के लिए है कि जो अब बेसिकली हमें जो सिग्नल को यूज़ करना है वो हमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल होना चाहिए या वोल्टेज या करंट के फॉर्म में ठीक ऐसे ही टिल्ट टिल टिल्ट सेंसर है फिर उसके बाद इंफ्रारेड मोशन सेंसर एनालॉग टेम्परेचर सेंसर कैमरा सेंसर है ना तो ये मैंने कुछ टाइप यहाँ पर इनकी जो पिक है वो लगाई है अब आते हैं वर्ल्ड वाइड जो सेंसर्स का एक तरह से परसेंटेज वाइज यूज़ है तो सबसे पहले आ जाते हैं अल्ट्रासाउंड रेडियो ना, तो 7 है ना ये सेवन परसेंट यूज़ है आर एफ आई डी एन एफ सी आर एफ आई डी टैग आपने गाड़ियों में देखा होगा जो टोल प्लाज़ा वगैरह के लिए यूज़ होता है वहाँ पर है ना तो आर एफ आई डी और एन एफ सी भी है फिर मैग्नेटिक टेन परसेंट इलेक्ट्रिक लीक लेवल चेक करने के लिए टू परसेंट का यूज टू परसेंट यूज़ होता है वर्ल्ड वाइड है ये फोर्स लोड प्रेशर टेम्परेचर मोशन वेलोसिटी ह्यूमिडिटी एम्बियट लाइट मशीन विजन ऑप्टिकल तो इस तरह की एप्लीकेशन ये छः परसेंट का यूज़ है फ्लो अकोस्टिक साउंड केमिकल गैस पोजिशन है ना वाइब्रेशन एक्सेलरेशन, तो ये अलग अलग तरह के जो वर्ल्ड वाइड जो हमारे यूज़ होते हैं तो बेसिकली ये आईओटी वाला है तो आईओटी में भी मेनली जो रोल है इन्फॉर्मेशन लेने का जो रोल है वो सेंसर्स का ही है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो इतने अलग अलग टाइप के हमारे पास जो सेंसर हैं है ना और फिर इसका भी आगे भी क्लासीफिकेशन हो जाता है तो अब क्लासिफिकेशन एक तो एप्लीकेशन बेस पे भी कर सकते हैं रेंज बेस पे भी कर सकते हैं और कहाँ यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली तीन तरह के हैं हमारे पास जो एप्लीकेशन है तो एक तो है जो हम यूज़ करते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए जैसे कि अपने घर में लगा रहे हैं फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए आ जाता है ठीक है और उसके बाद है फिर मिलिट्री ग्रेड के तो मिलिट्री वाला वो सुप सब ज़्यादा जो है वो सुपीरियर होते हैं ठीक है इंडस्ट्री वाले जो डोमेस्टिक में हम यूज़ कर रहे हैं उससे तो बेटर होते हैं पर मिलिट्री से थोड़ा सा लोअर कैटेगरी के होते हैं और इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है हो सकता है मिलेट्री गेट से भी ऊपर के हों है ना तो इस तरह का है तो जैसी एप्लीकेशन है और उसी के अकॉर्डिंग हम सेंसर को चूज़ करते हैं तो एक स्मार्ट होम का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है और उसमें कितने सारे सेंसर लगे हुए हैं वो देख सकते हैं तो यहाँ पर डोर मैग्नेट सेंसर है ठीक है उसके बाद वायरलेस आई आर है उसके बाद वीडियो डोर सिस्टम लगाया हुआ है बॉडी सेंसर है स्मार्ट विंडो गैस लीक सेंसर स्मोक सेंसर आईआर कैमरा फिर तो यहाँ पर कुछ ये स्मार्ट आ, स्मार्ट सॉकेट भी हैं लाइट स्विचेस हैं एयर कंडीशनर ठीक है और यहाँ पर विंड एंड ड्रेन सेंसर बाहर क्या चल रहा है ये भी बता देगा कैमराज लगे हुए हैं और ऐसे एस एस बटन हैं और इस तरह के और बहुत सारे लगा सकते हैं फिर तो उसके बाद आते हैं एक कार को ले चलते हैं तो कार में बेसिकली तीन पार्ट हैं एक है जो इंजन वाला पार्ट है इंजन एंड ट्रांसमिशन है ना तो टायर और इंजन तो ये पावर ट्रेन में वर हो गया उसके बाद आते हैं ड्राइवर को जो एड प्रोवाइड करते हैं वो सेंसर आ गए और उसके बाद जो बाकी पैसेंजर बैठे हैं उनकी सेफ्टी एंड कंफर्ट के लिए इंक्लूडिंग ड्राइवर तो जो पावर ट्रेन है उसमें हमारे पास यहाँ पर कोई सेंसर का नाम नहीं लिया है पर यहाँ पर जिनको सेंस करने की जरूरत पड़ती है वो सारे यहाँ पर प्रोसेस दिए गए हैं तो एयर फ्लो वाला है एयर फ्यूल और फिर कैम्पशाफ्ट मोशन कूलेंट एंड क्रंकशाफ्ट है ना डेटोनेशन एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड ऑयल लेवल फिर ऑयल टेम्परेचर जो इंजन का जो मोबी ऑयल है उसका टेम्परेचर थ्रोटल पोजिशन ट्रांसमिशन आउटपुट स्पीड ट्रांसमिशन टेम्परेचर फिर ड्राइविंग एड के लिए एक्सेलेटर पोजिशन एंटीलॉक ब्रेकिंग कैमराज रेटार अल्ट्रासोनिक इन्फ्राइड पार्किंग वगैरह ये ऑब्जेक्ट जो पार्किंग के पीछे वाले हैं वो सब उसके लिए यूज़ होते हैं स्टीयरिंग रेट है ना फिर उसके बाद व्हीकल स्पीड और एक्सेट्रा और भी बहुत से हो सकते हैं तो डिपेंड करता है आप अगर आ, किस लेवल की गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें और भी सैंसर ऐड हो जाता है फिर ऐसे ही जो सेफ्टी एंड कंफर्ट वाले हैं उसमें तो फिर आपका ब्रेक फ्लूड के लिए वही बताएगा कि ब्रेक में फ्लूड कम ज़्यादा कितना है फिर कंपार्टमेंट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी डोर पोजिशन क्या है है हाँ, ना खुला रह जाता है कभी कभार डोर तो इस तरह का ऐसे ही आउटसाइड की कंडीशन क्या है राइडर को कम्फर्ट है एक्सले उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं हाँ राइड कम्फर्ट आ गया उसके बाद टायर प्रेशर और भी इसमें दो तीन चीज़ें हैं इसको मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा है ना फिर उसके बाद है वाशर फ्लूड लेवल हाँ जो स्क्रीन पे विंड स्क्रीन पे इसके लिए तो वाशर फ्लूड लेवल और इस तरह के तो ये सारे यहाँ पर प्रोसेस दिए हैं यहाँ पर कोई आ, सेंसर का नाम नहीं दिया है तो इन अलग अलग तरह के जो प्रोसेस को यूज़ करने के लिए किन किन सेंसर की ज़रूरत पड़ती है वो फिर हम आगे आइडेंटिफाई करेंगे ठीक है तो ये कार के लिए हो गया ऐसे ही किसी इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं या घर पे कुछ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग एप्लीकेशंस हैं और फिर उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम सेंसर को चूज़ करते हैं ठीक है तो आगे बढ़ते हैं इसको हंड्रेड पे कर देता हूँ ये थोड़ा सा डायग्राम बड़ा था खैर आगे बढ़ते हैं अब आते हैं सेंसर का यूज़ करके जो एग्रीकल्चर है उसको स्मार्ट कैसे बनाया जाता है तो यहाँ पर मैं एक आर्टिकल है ये द हिंदू बिजनेस का और बेसिकली ये आर्टिकल मैंने लिया है मेरे जो स्टूडेंट हैं ये उनका ही एक ये कृषक के नाम से उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है इसको बोल सकते हो कि ये स्टार्टअप है उनका तो जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए जो सेंसर यूज होते हैं उसके मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देने के लिए मैंने ये लिया है तो जो सॉइल है उसकी कंडीशन के लिए टेम्परेचर मॉइस्चर कंडक्टिविटी कैसी है, है ना उसका पीएच मॉइस्चर एब्जॉर्बेंस रेट तो कंडक्टिविटी से यहाँ पर लेना देना है कि जो आपकी जो अगर फर्टाइल है है ना अगर सॉइल फर्टाइल है तो कंडक्टिविटी कम होगी और अगर वो बंजर होती जा रही है तो इसका मतलब है उसमें जो साल्ट वगैरह है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कंडक्टिविटी में इंक्रीज़ हो जाती है तो ये बताता है कि कितनी फर्टाइल है कंडक्टिविटी वाला फिर, बाद, moisture, of, uh, फिर level, उसके बाद मॉइस्चर एब्जॉर्बेंस रेट जो है तो गे ज्योग जियोग्राफिकल एंड एन्वायरमेंटल पैरामीटर और टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मैंने डिस्कस कर लिया लाइट इंटेंसिटी ये थोड़ा सा बाहर का टेम्परेचर के लिए सी लेवल उसके बाद वेदर डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल स्टेशन तो ये इस तरह के सेंसर हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं है ना स्मार्ट एग्रीकल्चर में तो एग्रीकल्चर में भी यूज है सेंसर्स का अब आते हैं जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेंसर का वो क्या है तो सेंसर बेसिकली अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ इंटेंसिक सेमी कंडक्टर आपने नाम सुना होगा तो इंटेंसिक सेमी कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है अगर उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करोगे तो उसका जो रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज़ होता है कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है इंटेंसिक सेमी कंडक्टर की बात कर रहा हूँ तो इंटेंसिक सेमी कंडक्टर को हम यूज़ कर लेते हैं ऐसे थर्मिस्टर तो थर्मिस्टर उसमें एक आर्म में लगाया हुआ है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करूँगा पहले इन चीज़ों को डिस्कस कर देता हूँ तो मेजरिंग पैरामीटर तो जितने भी फिजिकल पैरामीटर हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट है टेम्परेचर प्रेशर है ना ह्यूमिडिटी वाटर लेवल और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं तो जितने भी फिज़िकल पैरामीटर हैं उनको हमें क्या करना होता है उनको हमें एक तरह से आ, इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है यानी वोल्टेज या करंट की फॉर्म में तो वैसे मेनली हम वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसके बाद वोल्टेज सिग्नल को एम्पलीफाई करना है या उसको थोड़ा सा एटनेट करना है फिर उसको प्रोसेस करते हैं और उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना है है ना या उसको कहीं ट्रांसफ़र करना है उस इंफॉर्मेशन को या उस इन्फॉर्मेशन से फिर हमें कुछ कंट्रोल करना है तो फिर हमें उसके आउटपुट पे भी हम देखेंगे कि हम उसको किस तरह से जो इन्फॉर्मेशन हमने ली और फिर हमने उसको प्रोसेस करके और फिर हमने उसको कोई प्रोसेस या कोई इंडस्ट्री या कुछ इस तरह का हमने कोई सिस्टम बनाया हुआ उसको कैसे कंट्रोल करते हैं तो सिर्फ सेंसर पर रहेंगे अभी तो सेंसर जो है बेसिकली ये कन्वर्जन डिवाइस है तो सेंसर क्या करता है जो भी फिजिकल पैरामीटर हैं है ना उनको डिटेक्ट करता है है ना उनसे इन्फॉर्मेशन प्रिसीव करता है और उसके बाद उनको रेस्पॉन्ड करता है और रेस्पॉन्ड किस फॉर्म में करता है हो सकता है वोल्टेज की फॉर्म में कर रहा हो हो सकता है करंट की कैपेसिटेंस की फॉर्म में इंडक्टेंस की फॉर्म में हो सकता है रेसिस्टेंस की फॉर्म में भी वो एक तरह से रेस्पोंड कर रहा हो है ना और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं है ना तो मैकेनिकल कुछ होते हैं मैकेनिकल सेंसर हैं तो मैकेनिकल फॉर्म में एक एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में वो मैकेनिकल फॉर्म में ही कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर जो सेंसर का जो बेसिक एक लिटरल मीनिंग है वो है टू परसीव ठीक है अब परसीव वाला हो गया अब जो कोई डिवाइस है है ना तो वो कैसे रेस्पोंड करेगी तो वो रेस्पोंड करेगी जब कोई जो हमारा फिजिकल पैरामीटर है जब उसमें कुछ वेरिएशन होता है तो उसके किसी रेसिस्टेंस कैपिस्टेंस है ना वोल्टेज या करंट में उसके करस्पोंडिंग चेंज होने लगता है तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो है वो होती है सेंसर की ठीक है तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है थर्मिस्टर का तो थर्मिस्टर में क्या है थर्मिस्टर क्या, क्या करता है थर्मिस्टर पहले तो ये समझना है कि थर्मिस्टर है क्या थर्मिस्टर है इंटेंसिक सेमी कंडक्टर इंटेंसिक सेमी कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है जब उसका आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे इंटेंसिक सेमी कंडक्टर का जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है तो दैट मीन्स उसकी रेसिस्टिविटी क्या हो रही है डिक्रीज़ हो रही है तो उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ कर लिया अब आते हैं व्हीट स्टो जो व्हीट स्टोन ब्रिज है इसका क्या रोल है तो जो हमारा सेंसर डिवाइस है थर्मिस्टर थर्मिस्टर ने कोई सिग्नल नहीं दिया सिर्फ उसका रसिस्टेंस ही चेंज हुआ है है ना अब रसिस्टेंस का जो चेंज हुआ है अब वो हमारे लिए कोई प्रोसेस करने वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि हम जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होना चाहिए वोल्टेज की फॉर्म में होना चाहिए तो उसके लिए हमने यूज़ किया व्हीट स्टोन ब्रिज का तो यहाँ पर क्या है वीट स्टोन ब्रिज का क्या प्रॉपर्टी है अगर ये आर टी आर वन आर थ्री आर टू आर्ट सारे इक्वल हों तो ये ब्रिज जो है बैलेंस रहेगा ये बैलेंस रहेगा तो जो यहाँ पर दो टर्मिनल हैं यहाँ पर वोल्टेज जीरो रहेगी है ना अगर एक ब्रांच पे मैं रजिस्टर की जगह थर्मिस्टर को लगा दूँ तो नॉर्मल जो नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब है जो रूम टेम्परेचर होता है है ना ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड उस पर क्या है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वो क्या करता है जो भी वो हमने यहाँ पर यूज़ किया है इंटेंसिक सेमी जो उसका रेसिस्टेंस है तो सारे रेसिस्टेंस हमने सेम वही लगाए हुए हैं उसके बाद जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज तो हो जाएगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा तो ये जो हीट स्टोन ब्रिज है ये डिसबैलेंस हो जाएगा डिसबैलेंस होगा तो यहाँ पर आउटपुट आएगा और ये आउटपुट जो आएगा इलेक्ट्रिक फॉर्म में आएगा है ना वोल्टेज की फॉर्म में आएगा इसको हम फिर एम्पलीफाई कर लेंगे और उसको आगे फर्दर यूज़ के लिए रख लेंगे ठीक है तो अब हमने क्या किया जो रेजिस्टेंस वेरी हुआ था थर्मिस्टर यानी सेंसर का उसको हमने जो रेजिस्टेंस में जो वेरिएशन हुआ उसको हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया या वोल्टेज फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद अब उसको आगे हम प्रोसेस कर सकते हैं ठीक है तो अब यहाँ पर दो चीज़ देखने वाली बात है जो थर्मिस्टर है वो हमारा सेंसर है और जो हीट स्टोन ब्रिज है है ना जो इसके साथ एसोसिएटिव सर्किटरी है है ना तो ये जो सर्किट है ये ट्रांसड्यूसर बन गया तो इस पूरे को ट्रांसड्यूसर बोलते हैं ठीक है थेके? तो सेंसर सिर्फ इतना सा पार्ट है और जब ये पूरा पार्ट इसके साथ एसोसिएटिव सर्किट्री होती है ठीक है तो उसको मेनली वोल्टेज या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पर हम यहाँ पर क्या है वोल्टेज को लेकर चलेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर सब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक uh, इसी हम पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमें वोल्टेज की फॉर्म में ही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो भी बाहर जो भी ना, जो 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 है, जो है, है ना जो फिज़िकल पैरामीटर थे जो आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है उससे जो पैरामीटर मिलते हैं वो सब एनालॉग फॉर्म में है है ना एनालॉग फॉर्म का मतलब है एक तरह से वो जो रियल फॉर्म में है तो वोल्टेज अगर भार वाली जो है वो सब आपको एक तरह से मैकेनिकल फॉर्म में ही मिलेंगे चाहे अकोस्टिक वेव के फॉर्म में मिले चाहे आपको है ना विंड फ्लो के फॉर्म में मिले टेम्परेचर की फॉर्म में मिले डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में मिले तो इस तरह के मिलेंगे पर जब हमें उसको प्रोसेस करना है रिकॉर्ड करना है तो हम उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में यानी वोल्टेज में मेनली हम वोल्टेज में ही कन्वर्ट करते हैं ठीक है तो जो थर्मिस्टर है थर्मिस्टर का रोल सिर्फ क्या है बाकी और कोई रजिस्टर डिटेक्ट नहीं कर रहा सिर्फ थर्मिस्टर ही डिटेक्ट कर रहा है तो थर्मिस्टर को हम उस पार्टिकुलर टेम्परेचर जो भी हो सकता है कोई फर्नेस हो है ना या हो सकता है हम सिर्फ इन्वायरमेंटल जो टेम्परेचर है उसको ही सेंस कर रहे हो तो वहाँ पर लगाया हुआ है तो जब भी इसका रसिस्टेंस वेरी करेगा तो इसका मतलब है आउटसाइड जो भी टेम्परेचर है वो वेरी कर रहा है जो एमबीएन टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो है इरेड सिग्नल बोलते हैं इसको है ना वो जनरेट होता है और उसको हम कैलिब्रेट कर लेते हैं इसके साथ टेम्परेचर के साथ और उससे हम बताते हैं कि कितना अब जो टेम्परेचर है इंक्रीज है डिक्रीज हुआ है और उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अब सेंसर क्या है इसको समझ लेते हैं तो सेंसर जो डिवाइस हैं वो क्या करती हैं वो कोई चेंज है है ना तो चेंज किस में है फिजिकल स्टमुलस यानी फिजिकल पैरामीटर हीट लाइट साउंड प्रेशर मैगनेट मैग्नेटिज़्म या और अदर कुछ भी हो सकती हैं फॉर्म और उसके बाद वो क्या करता है रेस्पॉन्ड करता है ठीक है तो रेस्पॉन्ड में क्या करेगा तो रेस्पॉन्ड करेगा और ट्रांसमिट करेगा सिग्नल की फॉर्म में ठीक है अब सिग्नल हो सकती है इम्पल्स हो सकता है है ना तो सिग्नल में क्या है आप सिग्नल में हो सकता है रेजिस्टेंस वेरी कर रहा हो है ना हो सकता है सीधा सीधा वोल्टेज की फॉर्म में दे दे ठीक है हो सकता है उसका कैपेसिटेंस वेरी कर रहा हो है ना इन फिजिकल स्टेबल के रेस्पॉन्ड में तो जैसे कि मैंने पीछे डिस्कस किया और फिर उसको हम यूज़ करते हैं उस पार्टिकुलर जो भी फिजिकल स्टमुलस है उसके मेजरमेंट में या उनको रिकॉर्ड करने के लिए या कोई हमें सिस्टम है उसको कंट्रोल करना है है ना उस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं अब एक एग्जाम्पल है फ़ोटो इलेक्ट्रिक सेल का तो ये डिटेक्ट करता है या प्रसीव जो एक तरह से प्रसीव करता है वो करता है लाइट को और उसके रेस्पोंड में वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि आपको डिफरेंस बताना है सेंसर और ट्रांसड्यूसर में तो यहाँ पर हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो ये सेंसर डिवाइस हैज़ ए सेंसिंग एलिमेंट इट्स एफ तो सिर्फ उसके पास एक सेंसिंग एलिमेंट है ठीक है अदर जो भी उसकी एडिशनल सर्किट है वो कुछ और नहीं होती है सिर्फ वो एक सेंसिंग एलिमेंट होता है ठीक है अब वो एग्जाम्पल जो थर्मिस्टर वाला है वो मैंने डिस्कस कर लिया कि थर्मिस्टर है ना एक वो सेंसर है और सेंसर क्यों है क्योंकि टेम्परेचर के जब भी आएगा जब भी टेम्परेचर में कोई चेंज होगा तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा और ऐसे ही और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे पोटेंशियल मीटर का है स्टेन गेज का है और डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर का है तो इस तरह के बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं सेंसर के अब टाइप ऑफ सेंसर तो पीछे मैंने डिस्कस किया था तो उसमें बस एक दो एक दो एग्जाम्पल दिए थे तो यहाँ पर मैंने मोशन सेंसर फोर्स स्ट्रोक सेंसर फ्लूड फ्लो सेंसर प्रेशर सेंसर और टेम्परेचर साइंसर इनके और भी एग्जाम्पल दिए हैं ठीक है तो जैसे यहाँ पर रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर है तो पीछे हमने थर्मिस्टर डिस्कस किया तो थर्मिस्टर से ही आर बनता है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अब आते हैं ट्रांसड्यूसर्स पे ट्रांसड्यूसर क्या है तो ट्रांसड्यूसर का जो बेसिकली जो एक तरह से लिटरल मीनिंग है वो मीनिंग है टू लीड ए क्रोस या टू ट्रांसफर अच्छा अब यहाँ पर दो चीज़ हैं एक तो या तो पावर को ट्रांसफर कर रहा है अब जैसे कि इसमें आप देखेंगे तो ट्रांसजूसर मेनली क्या करता है? है ना वो एक इस तरह की डिवाइस है वो क्या करती है एनर्जी को एक फॉर्म में जो एक फॉर्म है किसी एनर्जी का उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम तो वो भी ट्रांसड्यूसर का काम है है ना अब यहाँ पर इसको जैसे कि वहीट स्टोन ब्रिज विद थर्मिस्टर तो अगर उसको लेके आप देखोगे तो यहाँ पर ये यह वाली डेफिनेशन फिट आएगी और फिर अगर लिटरल जो उसका मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन देखोगे तो आपकी ये वाली डेफिनेशन कौन सी वाली है ट्रांसड्यूसर डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म पावर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर हाँ जो लिटरल मीनिंग है वो ये वाली है तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं जस्ट पावर को ट्रांसफॉर्म कर ट्रांसफर uh, कर रहा है ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा ट्रांसफर कर रहा है ठीक है सॉरी तो लेटरल मीनिंग पे जाओगे तो सिर्फ जो है पावर को ट्रांसफर करने का काम है है ना कुछ भी कन्वर्ट नहीं कर रहा है पर हम जब इसको ट्रांसड्यूसर के अगर हम देखते हैं डिवाइसेस को तो वो क्या करता है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है ठीक है तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं दैट कन्वर्ट एनर्जी और वेरिएशन इन ए फिजिकल क्वांटिटी सच एज रेसिस्टेंस प्रेशर ब्राइटनेस फ्रॉम द वन फॉर्म एंड टू अनदर और जो ट्रांसड्यूसर हम जनरली इलेक्ट्रिकल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं है ना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह लगाते हैं उसी से कंट्रोल करते हैं तो वो हमें इलेक्ट्रिक फॉर्म में ही चाहिए तो जैसे कि विथ स्टोन ब्रिज ठीक है और वो विद थर्मिस्टर के साथ हो गया ठीक है अब आते हैं जो लिटल मीनिंग है लिटिल मीनिंग में क्या है वो जस्ट पावर को ट्रांसफ़र कर रहा है ठीक है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ठीक है फिर आते हैं ए सब्सटेंस और डिवाइस सच एज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल दैट कन्वर्ट इनपुट एनर्जी ऑफ वन फॉर्म इन टू आउटपुट एनर्जी ऑफ अनोदर तो इसमें एक लाउड स्पीकर वाला भी एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हैं तो यहाँ पर जो है बेसिकली आप ले सकते हो कि एम्प्लीफायर uh, का यूज़ कर सकते हैं या इसमें बोल सकते हैं कि सिग्नल जो सिग्नल है उनकी कंडीशनिंग करने वाले सर्किट तो उसको आप ट्रांसड्यूसर में ये जो डेफिनेशन है सेकंड वाली उसमें उस एग्जांपल को ले सकते हो इस एग्जांपल को हटा देना लाउड स्पीकर को देना इधर ऊपर भी रख सकते हो इधर भी रख सकते हो कि एनर्जी को एक फॉर्म जो एक फॉर्म है एनर्जी की कि उसको किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला वो भी ट्रांसड्यूसर डिवाइस होता है ठीक है तो ये थोड़ा गलत है इसमें आगे चलते हैं ट्रांसड्यूसर इज़ ए डिवाइस दैट हैव सेंसिंग एलिमेंट प्लस एनी एसोसिएटिव सर्किटरी तो अब यहाँ पर एक तरह से आप डिफाइन कर सकते हो या एक तरह से डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर में तो सेंसर में कोई एसोसिएटिव सर्किटरी नहीं होती एडिशनल सर्किटरी नहीं होती सिर्फ एक सेंसिंग एलिमेंट होता है ट्रांसड्यूसर में सेंसिंग एलिमेंट भी होगा प्लस अदर एसोसिएटिव या एडिशनल सर्किट्री भी होगी ठीक है तो ट्रांसड्यूसर को बेसिकली क्या करता है इलेक्ट्रिक फॉर्म में जो भी सिग्नल है फिजिकल जो पैरामीटर है उसको कन्वर्ट करके देता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में ठीक है तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था थर्मिस्टर प्लस और उसके साथ है ना विट स्टोन ब्रिज तो वही मैंने यहाँ पर भी डिस्कस किया हुआ है आगे बढ़ते हैं अब कुछ ऐसे भी डिवाइसेस uh, uh, हैं जो दोनों काम करते हैं है ना तो उनको सेंसर और ट्रांसड्यूसर वो दोनों हैं जैसे कि सोलर सेल तो सोलर सेल क्या करता है लाइट को है ना परसीव करता है उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज सिग्नल जनरेट करता है तो वो हो गया सोलर सेल है ना अच्छा एक है फोटो जो फोटो डिटेक्टर हैं है ना जो फोटो डायोड भी बोलते हैं वो बेसिकली करंट की फॉर्म में देता है ठीक है तो यहाँ पर मेनली हमारा है पॉइंट जो है वो वोल्टेज को लेके है तो हमें वोल्टेज सिग्नल चाहिए अगर करंट में भी देगा तो भी हमें उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो फिर उसमें ट्रांसड्यूसर की जो डेफिनेशन है इस पर तो उसने सेंस तो कर लिया पर उसको वोल्टेज फॉर्म में तो करंट से भी अगर करंट से वोल्टेज फॉर्म में भी कन्वर्ट करने के लिए मतलब एक फॉर्म में आया एनर्जी करंट के फॉर्म में आई पर हमें चाहिए वोल्टेज के फॉर्म में तब भी हमें एडिशनल सर्कुटरी की जरूरत पड़ेगी ठीक है तो अब एक यहाँ ओवरऑल डेफिनेशन है तो ऑल ट्रांसड्यूसर्स आर कंटेन ए सेंसर एंड मैनी सेंसर आर आल्सो ट्रांसड्यूसर तो बहुत सारे सेंसर हैं वो ट्रांसड्यूसर भी हैं तो यहाँ पर हम एक थोड़ा सा माइनस सा डिफरेंस है दोनों के बीच में एडिशनल सर्क्रेटरी को लेके बाकी हम सेंसर और ट्रांसड्यूसर दोनों को यूज़ करते हैं जब हम इलेक्ट्रिक uh, है ना इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या इलेक्ट्रिकल सेंसर की बात कर रहे हैं तो सेंसर और ट्रांसड्यूसर दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं एक्चुएटर्स पे आ जाते हैं तो एक्चुएटर्स का जस्ट सेंसर से अपोजिट रोल है ठीक है तो एक्चुएटर क्या करते हैं बेसिकली एक्चुएटर का काम है अगर हम उसका लेटरल मीनिंग देखें तो टू पुट इन टू है ना और एक्शन तो ये सब आते हैं एक्चुएटर की फॉर्म में तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक सिस्टम बनाया हुआ है और यहाँ पर जब भी आप टच करोगे तो यहाँ पर इसमें कुछ करंट फ्लो होने शुरू हो जाएगी ठीक है तो टच करेंगे तो ठीक है हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और एक स्मॉल करंट यहाँ पर फ्लो होगा नाइन वोल्ट की बैटरी है तो एक स्मॉल करंट फ्लो होगा स्मॉल करंट फ्लो होगा तो ये जो बीजेटी है ये ऑन हो जाएगा कंडक्ट करेगा ठीक है तो ये स्विच का काम कर रहा है तो जब भी यहाँ पर कोई करंट आएगी तो ये क्या करेगा ये जो टर्मिनल है ऊपर वाला टर्मिनल और नीचे वाला टर्मिनल ये आपस में कनेक्ट कर देगा सेचुरेशन मोड में काम करेगा और ये एल लाइट जो है ये ऑन हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर एल जो है वो एक्चुएटर है ठीक है तो ठीक है अभी सर्किट में कुछ और बताने के लिए रहा नहीं जस्ट स्विच है और जैसे ये हटाओगे तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी और ये कट ऑफ रीजन में चला जाएगा और एलईडी जो है वो हमारी ऑफ़ हो जाएगी तो एक्चुएटर का रोल जो है एक तरह से चलो इसको और थोड़ा आगे डिस्कस करूँगा तो एक्चुएटर के एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं मोटर है लाइटमेटिंग डायोड हो गया मूविंग ऑयल मीटर हो गया ठीक है तो इस तरह का है तो जस्ट अपोजिट काम है जो सेंसर जो सेंसर का जो काम है उसके जस्ट अपोजिट काम है तो ये मेनली क्या करता है ये जो जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं यानी वोल्टेज सिग्नल हैं उनको किसी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम एक्चुएटर्स का होता है ठीक है तो आपको और ज़्यादा डेफिनेशन यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझा रहा है तो पहले आते हैं कुछ जो मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं वो क्या क्या है तो रेडियंट एनर्जी जैसे रेडियो वेव है विजिबल लाइट इन्फ्रालाइट ये वगैरह है ग्रेविटेशनल में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो गया मैकेनिकल मोशन डिस्प्लेसमेंट फोर्स प्रेशर एक्सेट्रा ये सब हो गया थर्मल में काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम एंड मोलिक्यूल्स इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया करंट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वोल्टेज ही है मैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड मोलिकुलर में बाइंडिंग एनर्जी इन मोलिक्यूल्स एटोमिक में फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर एनर्जी पे जाते हैं बाइंडिंग एनर्जी बिटवीन न्यूक्लाई और मास एनर्जी तो एक एम स्क्वायर अच्छा अब आते हैं जो हम ट्रांसड्यूसर और एक्चुएटर है ना सेंसर इनका यूज़ करें तो यहाँ पर ट्रांसड्यूसर में एक सेंसिंग एलिमेंट है ही ठीक है तो ट्रांसड्यूसर का यूज़ करेंगे तो मैंने जैसे बताया इंटरचेंजेबली यूज करते हैं ट्रांसड्यूसर और सेंसर को क्योंकि वो अल्टीमेटली जो आउटपुट है वो इलेक्ट्रिक में ही आना है ना वोल्टेज की फॉर्म में ही आना है तो जो टाइप ऑफ एनर्जी है जैसे रेडियंट है मैकेनिकल थर्मल इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक केमिकल उसके हिसाब से हम ट्रांसड्यूसर चूज करते हैं कौन सा ट्रांसड्यूसर चाहिए ठीक है किस पार्टिकुलर एनर्जी को हमें इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करना है उसके बाद उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को या तो रिकॉर्ड करते हैं या उसको कुछ मॉडिफाई करते हैं और उसके बाद फिर एक्चुएटर को देते हैं ठीक है तो सपोज़ करो हम यहाँ पर एक मैकेनिकल सिग्नल ले रहे हैं तो मैकेनिकल सिग्नल में हम ले सकते हैं अकोस्टिक वेव अकोस्टिक वेव मतलब कोई सिंगर है गाना गा रहा है तो माइक लगा हुआ है तो माइक जो है वो ट्रांसजूसर का रोल प्ले करेगा और यहाँ पर जो सिंगर के है ना जो सिंगर से आ रहा है वो सिंगर से आ रही है अकोस्टिक वेव तो अकोस्टिक वेव पढ़ेंगी माइक पे माइक क्या करेगा उसको इलेक्ट्रिक सीन में कन्वर्ट करेगा और सपोज करो कुछ नॉइसी है है ना तो बहुत सारे माइक आते हैं जिसमें आता है क्या बोलते हैं उसको फिल्टर तो मोडिफायर में हम फिल्टर लगा सकते हैं तो फिल्टर हो गया ठीक है तो मोडिफायर में क्या हो गया फिल्टर तो उसको क्या करेगा जो नॉइस सिग्नल है जो नॉइसी सिग्नल है उसको सबको रिमूव कर देगा रिमूव करने के बाद वापस फिर माइक पे जाना है और वापस स्पीकर पे जाना है तो एक्चुएटर क्या हो गया स्पीकर हो गया लाउड स्पीकर तो लाउड स्पीकर को दिया लाउड स्पीकर वापस उसको अकोस्टिक वे में कन्वर्ट करके और ट्रांसमिट कर देगा और हो सकता था एक्चुएटर की जगह यहाँ पर रिकॉर्ड uh, करने के लिए कुछ हमारे पास हो है ना तो उसमें रिकॉर्ड भी करा सकते हैं ठीक है थीके? तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया ऐसे ही टेम्परेचर का देख सकते हो ठीक है तो जैसे थर्मल एनर्जी है सपोज करो हमने टेम्परेचर सेंस किया है ना उसको डिस्प्ले कराना है तो यहाँ पर इन्वायरमेंट से जो है टेम्परेचर आया यहाँ पर हमने एक थर्मिस्टर या एक तरह से कहूँ आर लगाया हुआ है वहाँ से हमने टेम्परेचर को सेंस किया उसके बाद यहाँ पर मोडिफायर की जगह हम ले सकते हैं कि वो एक तरह से माइक्रो कंट्रोलर या इस तरह का है कि उसको हम प्रोग्राम करके कंट्रोल करते हैं उसके बाद एक्चुएटर एक्चुएटर क्या हो गया डिस्प्ले डिवाइस ठीक है तो अब हमें क्या करना है जैसे कि आप देखते हो बहुत सी जगह जो एम्बियन टेम्परेचर है उसको डिस्प्ले करता है तो वो डिस्प्ले करने वाला हो गया ठीक है एम्बियन टेम्परेचर मतलब जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो क्या है तो एक्चुएटर क्या हो गया वो डिस्प्ले डिवाइस हो गई ठीक है तो इस तरह से आप उसके बाद अब एक सिस्टम ले लेते हैं अब यहाँ पर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है अब किस तरह से जो एम्बेडेड सिस्टम्स हैं या यहाँ पर ये एम्बेडेड सिस्टम का एग्जांपल है बेसिकली आईओटी का एग्जांपल नहीं है तो यहाँ पर कंट्रोल सर्किट है और ये या इसको माइक्रो कंट्रोल भी बोल सकते हैं तो यहाँ पर तीन तरह के सेंसर हैं तो घर पे मैंने कोई सेंसर लगाया हुआ है इसको बोल सकते हो एक तरह से फायर अलार्म वाला है ना वो वाला सेंसर हमने वो सिस्टम हमने लगाया हुआ है तो उसमें एक स्मोक सेंसर है टेम्परेचर सेंसर है और एल सेंसर है ठीक है उसके बाद जब भी यहाँ पर कभी स्मोक कुछ घर में कुछ स्मोक का लेवल बढ़ जाता है तो किसी वजह से भी हो सकता है हो सकता है कोई हवन है ना कुछ हवन वगैरह करा रहे हो या कोई बेसिकली uh, स्मोकिंग uh, कर रहा हो तो इस वजह से हो सकता है तो ये क्या करेगा ये अलार्म ऑन कर देगा ठीक है ठीके? हाँ पर अगर कोई सर्टेन लिमिट से टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब क्या करेंगे इसका मतलब है घर में आग लग गई है आग लग गई है तो क्या करेगा वाटर पंप ऑन करेगा तो कंट्रोल सर्किटरी का काम क्या है टेम्परेचर सेंसर से जब भी कोई इधर से सिग्नल आए तो वो क्या करें मोटर को ऑन कर दें ठीक है ठीके? तो इन दोनों को भी अभी डिस्कस करूँगा अभी फिलहाल मोटा मोटा देख लेते हैं फिर ऐसे ही एल सेंसर अगर सपोज़ करो यहाँ पर घर में कोई सिलेंडर लीक हो रहा है तब क्या हुआ तो तब भी अलार्म को ऑन कर देंगे ठीक है हो सकता है कि वो सिलेंडर बदल रहे हों या लीकेज वग़ैरह है अभी तो अगर अलार्म से हो जाता है अलार्म उसको बता दिया कि घर में कुछ प्रॉब्लम है स्मोक है या एलपीजी है उसके बाद आप देखते हो कि कुछ प्रॉब्लम है किधर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके बाद आप उसको करेक्ट करते हो ठीक है तो इस तरह का तो एल स्मोक के लिए अलार्म को कनेक्ट कर देंगे और अगर टेम्परेचर रेज होता है दोनों की वजह से आग लग गई एल की वजह से आग लग गई या किसी और वजह से आग लग गई तो उसमें टेम्परेचर सेंसर क्या कर देगा वाटर पंप को ऑन कर देगा और घर में पानी पानी भर जाएगा आग बुझ जाएगी अब इन दोनों के बीच में भी देखो क्या है तो यहाँ पर जो एक्चुएटर है ये वाटर पंप और अलार्म एक्चुएटर है यहाँ पर ये यह ट्रांसड्यूसर है तो हमने सेंसर का नाम लिख दिया है ठीक है पर जब एसोसिएटिव सर्किटरी उसके साथ हर किसी सेंसर के साथ एसोसिएटिव सर्किटरी होती है तो ट्रांसड्यूसर के फॉर्म में होता है ठीक है पर वो मैंने जैसे बताया कि मार्केट में सेंसर और ट्रांसड्यूसर वो एक तरह से इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं अब आते हैं वाटर पम्प के बीच में मोटर ड्राइवर क्या है जो माइक्रो कंट्रोलर है ये करता है मिली uh, एम्पियर में काम जैसे कि आपने वोल्ट आपने पढ़ा होगा uh, हाँ जो जो सेमी कंडक्टेड डिवाइस हैं वो मिली एमपीयर पर काम करती हैं जबकि जो मोटर पंप है जो मोटर है, है वो काम करता है एम की रेंज में ठीक है हो सकता है बड़ा मोटर हो है ना 240 फोर्टी वोल्ट पे चलता हो ये तो 5 वोल्ट पे ही चलता है तो यहाँ पर ये यह क्या करेगा यहाँ पर उसके लिए हम लगाते हैं मोटर ड्राइवर आईसी तो इसको बोलते हैं इंटरफेसिंग ठीक है तो इंटरफेसिंग क्या करता है दो डिवाइस के बीच में एक तरह से इलेक्ट्रिकल जो कंप्टेबल बनाना इलेक्ट्रिकली कंपटेबल बनाना ठीक है तो वोल्टेज और करंट की फॉर्म में तो इलेक्ट्रिकल उसको क्या करते हैं कम टेबल बनाना कम टेबल बना के और वो फिर इस पर लोड रहेगा नहीं है ना सारा लोड इस पर आ जाता है ठीक है तो अब ये सारा क्या करता है बस यहाँ से इनपुट लेगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो डिसीजन आया उसके करस्पॉन्डिंग इधर रेस्पॉन्स करेगा ऐसे ही अलार्म है तो छोटा मोटा अलार्म है तो चल जाता है इस पर डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं पर अगर आपने बड़ा अलार्म लगाया हुआ है कोटर लगाया हुआ है तो उसके लिए आपको अलार्म अलार्म ड्राइवर चाहिए क्योंकि उसके लिए फिर आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए और ज़्यादा करंट भी चाहिए क्योंकि पावर बढ़ जाती है तो पावर बढ़ जाती है तो उसके बीच में फिर आराम ड्राइवर की ज़रूरत है तो इनको बोलते हैं बेसिकली इंटरफेसिंग डिवाइसेस ठीक अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो आप देख सकते हैं तो ये आए हुए भी हैं एग्ज़ाम में है ना तो अच्छा है क्योंकि ये जो आ, हमारा जो सिलेबस है वो अलग अलग बुक से है तो उसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे तो इन क्वेश्चन को पॉइंट एक तरह से रख के दिमाग में और आप नोट्स बनाओ इन सब चीज़ों के और एक ये थर्ड जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक बोटलिंग प्लांट का है तो उसमें बहुत सारी जो बोटलिंग प्लांट है उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ होते हैं कन्वेयर बेल्ट है ठीक है थेके? उसके बाद फिर स्टार्ट स्टॉप कंट्रोल फिर मेजरिंग सिलेंडर है इनलेट वाल्व एग्जिट वाल्व है ना लेवल सेंसर तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस हैं तो उसके लिए आपको यूट्यूब पर जाके एक है ना ये सॉफ्ट ड्रिंक बोटलिंग प्लांट ये डालोगे और उस पर आपको एक वो प्लांट की जो पूरा है वो प्रोसेस आपको दिखाई देगा तो उस प्रोसेस में टेक्निकली तो नहीं बताएंगे वो सिर्फ प्रोसेस दिखाया हुआ है तो आपको देखना है कि अलग अलग प्रोसेस पे कौन कौन से सेंसर यूज़ हो रहे हैं बस ये आपको दिमाग लगाना है कि कन्वेयर बेल्ट है कब रुकनी है कब चलनी है कैसे डिसाइड होगा ठीक है तो उसके लिए कौन सा सेंसर लगाया होगा तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है ठीक है तो ऐसे ही मैंने पीछे वाला जो बताया है इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे मैंने बताया इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो तो इसको भी एज ए प्रॉब्लम ले सकते हो तो ये बेसिकली सेंसर का देखो रोल क्या है बस तो यही तो नहीं है सेंस करना है भाई हमें उस इन्फॉर्मेशन का कुछ यूज़ करना है है ना और उससे हम हो सकता है कंट्रोल सिस्टम बनाएं कुछ तो ये कंट्रोल सिस्टम है है ना ऐसे ही हो सकता है उनको रिकॉर्ड करना हो तो रिकॉर्ड करने के बाद भी उसमें से कुछ माइक्रो कंट्रोलर या कंट्रोल सर्किटरी की हेल्प से फिर हम कुछ डिवाइस में उसको हम रिकॉर्ड करेंगे तो कई सारी चीज़ होती है हो सकता है डायरेक्टली हम मेज़र कर रहे हो स्मोक सेंसर से यहाँ पर सिर्फ हम जो स्मोक है इन्वायरमेंट में कितना स्मोक है है ना कितने कार्बन पार्टिकल हैं उस तरह का कुछ हम यहाँ पर मेज़र करना चाह रहे हैं तो मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं है ना तो तीन तरह के एप्लीकेशन है सेंसर के यूज से ठीक तो ठीक है बाकी आगे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आगे डिस्कस करते जाएंगे चलिए थैंक यू और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन भी करें ठीक है जी चलिए इसको ही रोकते हैं थैंक यू